अब्दुल कलाम साहब को बच्चा बच्चा जानता है। मैं आज आपको उनकी जिंदगी के 6 ऐसे एथिक्स बताने वाला हूं जिनकी बुनियाद पर वो सबके चहीते बने। वो इतने विद्वान बने कि भाई एक बार जब स्विट्जरलैंड गए तो आज तक स्विट्जरलैंड में वो दिन साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये बहुत हार्ड चीज़ें नहीं बताने वाला, ऐसी चीज़ें हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं और आपकी लाइफ में 99% जो सक्सेस है ना इन्हीं 6 चीज़ों की वजह से रुकी हुई है कि भाई नहीं यार नहीं हो पा रहा। तो चलिए क्या है 6 एथिक्स ऑफ लाइफ बाय अब्दुल कलाम साहब। सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि बिफोर यू स्पीक लिसन, कि बोलने से पहले हमेशा सुनो। देखिए एक अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो अच्छा लिसनर है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छे लिसनर हैं। देखिए बोलने वाले तो हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन शांति से बैठकर सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। और कमाल की बात है कलाम साहब के साथ जितने भी मिलियनर बिलियनर हैं उनका यही कहना है कि आपके सवाल में जवाब छुपा होता है, बस आपको ज़रूरत है सवाल को अच्छे से सुनने की। दूसरा एथिक ऑफ लाइफ इज बिफोर यू क्विट, जब छोड़ने लगो ना ट्राई लास्ट टाइम, कि भाई एक बार और ट्राई कर दो, एक बार और ट्राई मारो, बस किसी काम को ना क्विट मत करो। देखिए मैंने पहले एक छोटी कहानी भी सुनाई थी कि पत्थर को हजारों चोट मारी गई, हजार लोगों ने कहा कि ये नहीं टूटेगा, हजार और आदमी आए, हजार और चोट मारी, नहीं टूटेगा। आखिर में एक बच्चा आया, पत्थर मारा और टूट गया। सो उस पत्थर की वजह से वो चीज़ नहीं टूटी, वो चट्टान आखिरी पत्थर की वजह से नहीं टूटी, वो चट्टान टूटी कि उससे पहले 2000 और हमले हो गए थे। अगर एक ही आदमी 2001 हमले करता तो तोड़ देता, बस उन्होंने छोड़ दिया और एक आदमी ने एक चोट से उन सब की मेहनत को खा लिया। तो बस क्विट नहीं करना है लाइफ में, क्विट करने से पहले सोच लो कि साला एक बार और ट्राई करना है। तीसरा एथिक ऑफ लाइफ बिफोर यू स्पेंड अर्न, खर्चे से पहले कमाओ। देखिए अगर कमाने से पहले खर्चने लग गए तो जिंदगी भर कर्जे में पड़े रहोगे, पूरा मोटिवेशन खराब हो जाएगा लाइफ का और प्रोडक्टिविटी तो गायब, क्रिएटिविटी जीरो। तो अच्छी बात यह है कि कमाओ। देखिए लाइफ का रूल हर किसी को पता होगा कि भाई जेब में 10 रुपये हैं तो 2 रुपये खर्चो। भाई आप बहुत खर्चीले इंसान हो तो 10 में से 5 खर्च दो, बट उससे पहले 10 कमाओ तो सही, 10 के 10 खर्च दो यार, लेकिन अपने आप को उस काबिल बनाओ कि 10 के 10 खर्च रहा हूं, लेकिन 20 कमाने का दम रखता हूं। देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट बिफोर यू स्पेंड यू अर्न। अगली चीज बिफोर यू राइट थिंक, लिखने से पहले सोचो जरूर। देखिए हजारों आइडियाज आते हैं दिमाग में और सोचते हैं यार ये भी ठीक है, उस चीज़ को लिखो, ब्लूप्रिंट बनाओ कि हाँ ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि भाई सपने में हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ सुंदर लगती है, जब चीज़ें पेन पेपर पे आती है ना तब लगता है उनकी असलियत का पता कि साला ये आगे लेके जाएंगी या नहीं भी। सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू राइट। और अगली चीज़ है बिलीव बिफोर यू प्रे। यार तुम प्रे कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है, तुम्हारे अंदर आस्था ही नहीं है, तो भाई कोई काम की नहीं है वो प्रे, सेंसलेस है, जीरो है, कोई फायदा नहीं बनने वाला। भाई देखिए आप किसी का भी नाम ले रहे हो, अगर आप आस्तिक है नास्तिक का फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अपने माता पिता का भी नाम ले रहे हो ना तो उससे पहले विश्वास करो कि हाँ वो मदद करने आएंगे। भगवान का नाम ले रहे हो तो आस्था रखो कि हाँ वो सब ठीक कर देगा, देखिए कैसे आप आसमान को छूते हैं। लेकिन याद रखो प्रे करने से पहले विश्वास जरूर रखना उस चीज़ में, चाहे आप अपने दोस्त का नाम ले रहे हो, देखिए हर इंसान में भगवान होता है, अपने दोस्त का नाम ले रहे हो कि यार तू देख लेना, लेकिन विश्वास रखना उस आदमी के अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और दोस्तों आखिरी चीज़ बिफोर यू डाई लिव, मरने से पहले जी लो, जी भर के जी लो, दोबारा ज़िंदगी मिलनी बहुत मुश्किल है। और हाँ इतनी मुश्किलों के बीच में एक छोटा सा लाइक करना बहुत आसान है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा एथिक आपको सबसे प्यारा लगा, किस चीज़ पर आप सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। और हाँ ऐसी वीडियो हर रोज़ आती हैं तो आते रहे चैनल पर, बेल आइकन दबा दें और हर एक अपडेट का मजा उठाएं। मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।